काम क्रिया के चरम सुख के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला रोने लगती है। आप लोगों ने भी कभी जरूर ऐसा नोटिस किया होगा अपने पार्टनर के साथ संभोग क्रिया करते हुए कि उसकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदे आ जाती हैं। आखिर कैसा महसूस करती हो उस वक्त, क्या ऐसा फील करती है जो उसे रोने पर मजबूर कर देता है? कई बार तो देखो ऐसा भी होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज पूरी खत्म हो जाती है, सारा संभोग क्रिया खत्म हो जाता है, उसके बावजूद भी उसकी आंखों में बूंदे होती हैं आंसू की। तो आज हम देखो इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि संभोग क्रिया के दौरान किसी महिला की आंखें नम क्यों पड़ जाती हैं। तो देखिए, ऐसा होना मतलब किसी महिला की आंखों में आंसू आना, ये बहुत ही सामान्य सी चीज है। साइंस में इसे पोस्ट कोइटल डिस्फोरिया कहा जाता है। एक औरत का अंतर्मन बहुत सारी गहरी भावनाओं का समंदर होता है। तो जब वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करती है तो उस वक्त उसकी ये जो भावनाएं होती है उमड़ उमड़ कर उसके मन में गोते खाने लग जाती हैं। हालांकि देखो, रोने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सेक्स अच्छा नहीं हुआ, बल्कि कई बार सेक्स बहुत ज्यादा अच्छा होने के बावजूद भी, वो तृप्ति व संतुष्टि मिलने के बावजूद भी एक औरत की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। फिर भी देखो, हर महिला के सेक्स करते वक्त रोने के पीछे अलग अलग कारण होते हैं, उसकी अलग अलग वजह होती है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो नंबर 1, जब कोई महिला सेक्स करती है और वो उत्तेजना फील कर रही होती है, काम वासना में पूरी तरह से डूबी हुई होती है, तो उस वक्त उसके मस्तिष्क की ज्यादातर नर्व्स एकदम से एक्टिव हो जाती हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देती है और जो भावनाएं होती हैं उसके मन की, वो उमड़ उमड़ कर निकलने लग जाती है। उस वक्त वो काफी सारी चीजें एक साथ सोचने लग जाती है, अपने हस्बैंड से अपने रिश्ते के बारे में ही सोचने लग जाती है, कोई तू तू मैं या नोक झोंक हुई हो किसी बात पे तो वो विचार उसके दिमाग में चलने लग जाता है। तो सेक्स करते हुए जब हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, जैसे ही वो रिलीज होता है तो उसे सुखद एहसास देता है, उसके मस्तिष्क को शांत करता है, उसे सुकून देता है। तो ये जो उसको सुखद एहसास मिलता है, ये मैजिकल टच जो उसे फील होता है, यही उसकी आंखों में आंसू ला देता है। उस वक्त उसके दिमाग में जो 100 तरह की बातें चल रही होती है, जो टेंशन चल रही होती है, उससे उसे मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखो ये कहता है कि रोने से आपका जो मन और दिमाग है वो शांत होता है। तो सेम चीज वो फील कर रही होती है, उसे शांति मिल रही होती है, वो रिलैक्सेशन फील कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब दूसरा रीजन, वो फीमेल जो कि अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो जाहिर सी बात है वो उसे फिजिकल रिलेशन बनाते हुए बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस करती है कि यार इसे हक दिया है मैंने खुद को टच करने का, खुद को किस करने का, आई एम इन लव विद हिम। तो ये जो भावनाएं होती है, ये जो फीलिंग होती है, ये जो इमोशंस होते हैं सेक्स के दौरान, जब वो अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रही होती है, तो उस वक्त उसके दिमाग में, उसके मन में उमड़ रहे होते हैं। ये एक तरह का इमोशनल अटैचमेंट होता है जो वो उस वक्त फील करती है। वो उसे फिजिकली उससे अटैच नहीं है, भावनात्मक रूप से उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड है, दिल की गहराइयों से अटैच्ड है। तो इसलिए सेक्स करते वक्त उसकी आंखें भीग जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब देखो, ये तो थे अच्छे अच्छे रीजन, दिल को खुश करने वाले रीजन कि कोई औरत अगर रोती है तो उसके पीछे वजह क्या होती है। लेकिन ये वजह हमेशा यही नहीं होती, इसके विपरीत भी हो सकती है, जब किसी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो वजह क्या होती है? नंबर 1, शारीरिक संबंध बनाने के बाद कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि अच्छा महसूस नहीं करती, वो शर्मिंदगी महसूस करती है, वो खुद को कम आंकती है अपने हस्बैंड के कंपैरिजन में। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं अपने हस्बैंड को वो पूरी तरह से संतुष्टि नहीं दे पा रही हूँ। अपने शरीर को लेकर ही बहुत ज्यादा बेकार सा फील करती है, डाउन फील करती है, एक गिल्ट भावना उनके अंदर होती है कि मैं मेरे हस्बैंड के कंपैटिबल नहीं हूँ। उसके दिमाग में यही चलता है कि यार जैसे मेरा हस्बैंड चाहता है मैं वैसे चीजें नहीं कर पाती हूँ, उसके हिसाब से चीजें नहीं कर पाती हूँ, मैं जल्दी थक जाती हूँ, जल्दी टायर्ड हो जाती हूँ, डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो इस तरह से वो गिल्ट भावना उसके अंदर जन्म ले लेती है, जिसके वजह से वो सेक्स के बाद छुप कर रोती है, तो कई बार सेक्स के दौरान ही रो पड़ती है। जो उसका जो पार्टनर होता है वो इस चीज को समझ ही नहीं पाता है कि ये रो क्यों रही है, उसे यही लगता है कि शायद उसे अच्छा लग रहा है। अब देखो, कुछ महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से भी रो पड़ती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब बच्चा होने की खुशी भी और एक तरफ चिंता भी। चिंता किस चीज की?
कि देखो जब बच्चा होता है तो एक महिला की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, नई जिम्मेदारियों से वो घिर जाती है। इन नए उतार चढ़ाव का असर ना केवल उसको शारीरिक रूप से प्रभावित करता है बल्कि मानसिक रूप से भी उसके अंदर बदलाव लेकर आता है। तो ये जो नई जिम्मेदारियों से वो जो घिर जाती है उसका असर उसकी सेक्स लाइफ पर भी पड़ता है। तो जब अनबैलेंस हो जाती है, वो चीजों को संभाल नहीं पाती, टाइम नहीं दे पाती अपने हस्बैंड को, उसकी जो सेक्स लाइफ इफेक्ट हो रही होती है, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान कई बार उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि मैं पहले की तरह चीजें नहीं कर पा रही हूं। कई बार वो ये भी सोचती है कि मेरी बॉडी में पहले वाला कसाब, वो पहले वाला अट्रैक्शन नहीं रहा। एक तरफ वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए खुशी भी महसूस करती है, तो दूसरी तरफ ये भी सोचती है कि अरे लटक जाएंगे तो इन्हें मैनेज कैसे करूंगी, इन्हें संभालूंगी कैसे। तो बहुत कुछ उसके दिमाग में, इसके दिलो दिमाग में चल रहा होता है जब वो सेक्स करती है कि मैं अपने हस्बैंड को अब वो तृप्ति, वो संतुष्टि कैसे दूं। कई बार तो वो ये भी सोचती है कि मेरा हस्बैंड मेरे बिगड़ते हुए शरीर को देखकर किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, मैं कैसे संभालू, कैसे करूं, मतलब इनसिक्योरिटी से वो घिर जाती है। तो ये तो थे वो सारे रीजन जो कि मैंने आपको बताए। देखो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, यहां मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। अब हाँ, किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज पूछी है कि मैम आप कभी किसी वीडियो में कैसे लगते हो, तो कभी किसी वीडियो में कैसे लगते हो। तो डियर एक चीज बताइए, जब आप 20 पिक्चर क्लिक करते हो तब जाके कोई एक पिक्चर निकल कर आती है आपके हिसाब की कि यार ये है कोई पिक्चर पोस्ट करने लायक, इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपलोड करूंगा मैं। तो जब आप 20 पिक्चर में एक जैसे नहीं लग सकते तो आपको मैं हर वीडियो में एक जैसी कैसे नजर आ सकती हूँ। ह्यूमन हूं, इंसान हूं, रोबोट नहीं हूं जो हमेशा एक जैसी दिखूंगी। कभी मोटी भी लग सकती हूँ, कभी बहुत ज्यादा पतली भी लग सकती हूँ, कभी मीडियम भी लग सकती हूँ, कभी बाल ऐसे होंगे तो कभी वैसे होंगे, कभी चूड़ा बना हुआ होगा। और जैसे आप हेयर स्टाइल चेंज करते हो आपका पूरा लुक भी चेंज हो जाता है जी। बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए इतना जजमेंटल मत होइए। शक्ल तो वही रहती है ना, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं कि रिया मल्होत्रा चैनल पे कोई और रिया आकर बैठ जाती है, ये तो नहीं होता ना। बाकी थोड़ा ऊपर नीचे बल्कीनेस के, हाँ आज मोटी लग रही हूं, आज पतली लग रही हूं, ये चलता है। ओके भगवान, लोग भी पता नहीं कैसे कैसे सवाल करते हैं। और किस सवाल से याद आया, सवाल जब आप वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे सवाल छोड़ें, ड्रॉप कर दें। पहले भी मैंने एक वीडियो पे ये चीज बोली थी लेकिन उसमें सवाल ज्यादा नहीं आए, तो अब दोबारा बोल रही कि अगर आपको सवाल जवाब वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख दीजिए। राइट, चलो बाय बाय, टेक केयर।